सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और उस पर भी हास्य कलाकार होना तो वाकई सौभाग्य से भी बढ़कर है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं जो बेहतरीन हास्य कलाकार हैं। खास बात ये, वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 के विनर हैं। इसके अलावा मजाक मजाक में देख इंडिया देख, गैंग्स ऑफ हसीपुर और काफी सारे कॉमेडी शोज में वो नजर आते हैं। वो जब बोलते हैं तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के दम पर ही उन्होंने 40 से ज्यादा देशों की यात्रा की है। तो चलिए, देर किस बात की है, हंसने को हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हमारे साथ है ठहाकों के बादशाह सुरेश अलबेला जी। सुरेश अलबेला जी, आपका अमेज़न प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो हमेशा ही अच्छा ही रहता हूँ। कैसी कट रही है आपके लॉकडाउन में, क्योंकि आपको तो फैंस की सेल्फीज की ऑटोग्राफ फोटोग्राफ इन सब की आदत है, और लॉकडाउन में अब घर के अंदर ही बंद रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या है कि अब घर पे बीवी मारती है तो बाहर भाग जाता हूँ, और बाहर पुलिस मारती है तो फिर अंदर घुस जाता हूँ। यानी आप थाली का बैंगन बने हुए हैं। और क्या करूं जो? हाँ, ये बात अभी मैं नहीं, अभी तो सब बने हुए हैं। आपके घर में भी यही होता होगा? नहीं, खैर हम तो ऑफिस चले आते हैं, हमें तो इतना आराम है कि हम इस लॉकडाउन में ऑफिस जा सकते हैं। तो जिसकी लुगाई कहीं ना कहीं काम करती है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। चलिए सुरेश जी, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन तब से लगातार चल रहा है। अब पूरा देश रोने को आतुर है, जिसे देखो उसका मुंह लटका हुआ मिलता है, वो बड़ा परेशान मिलता है, हाय कोरोना हाय कोरोना। सारे, चाहे कोई भी न्यूज चैनल्स हम उठा लें, सब पर कोरोना की खबरें। ऐसे में आप बताइए कि आपने क्या पहल की है, एक हास्य कलाकार आप हैं, कोई टॉपिक आपसे छूटता नहीं है, क्या कहेंगे कोरोना लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ खास आपने लिखा है? यार, एक तो क्या है कि अभी देश दुखी तो है जी, लेकिन आप औरतों को देखो। मैं रोज देखता हूं सोशल मीडिया पे, तो कोई क्या बना के डाल रहा है, कोई कौन सी डिश बना के डाल रही है, कोई रसगुल्ला, कोई अलग अलग तरह के व्यंजन बन रहे। अब मैं इनसे कह रहा हूं, भाई कोरोना बंद कराना है, किराना बंद नहीं कराना। बिल्कुल सही। और आप और ये चाइना वाले भी, इन्होंने देखो हर चीज टच वाली दी, इन्होंने मोबाइल टच वाला दिया, फोन टच वाला दिया, कमबख्तों ने ये बीमारी भी टच वाली दे दी। ये कमाल की बात है, ये एक जो है ना हास्य कलाकारी महसूस कर सकता है, वरना आम आदमी के बस में इतनी बात नहीं है वो इतना नोटिस करे। अच्छा, आपने कहा सोशल मीडिया पर आप लड़कियों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद आपको यही काम रह गया है। तो और काम ही क्या है, हमारा पहले भी यही था और अब तो पूरा यही रह गया। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए, देखिए अब थोड़ी सी बात हम आपसे करते हैं, और वो बात ये कि दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, हंसना फिर भी आसान है, किसी ने मजाक किया हम हंस दिए, लेकिन किसी के दिल को गुदगुदाना बेहद मुश्किल काम है। आप इस फील्ड में माहिर हैं, कैसे आपने मैनेज किया, कहां से शुरुआत हुई, अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताइए। अब मेरी जर्नी के बारे में तो ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो 9th में मैं ना इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आ गया, तो घर वालों ने मेरे को कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए जी। तो वहां पे भी अब मेरा मन तो कविताओं में लग चुका था, हंसाने में लग चुका था, तो मैं तो पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देता नहीं था जी। तो वहां से फिर मैं धीरे धीरे कवि सम्मेलनों में जाने लगा जी। फिर जयपुर में एक ऑडिशन था लाफ्टर चैलेंज का, वो ऑडिशन मैंने सेलेक्ट किया गया मैं उसमें जी। फिर मुंबई चला गया और वहां पे लाफ्टर चैलेंज जीत गया, तो ये यात्रा थी। अच्छा, बहुत छोटी सी सरल शब्दों में आपने बता दी यात्रा के आपने दिया, लेकिन वाकई हमें पूरा यकीन है कि इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें रही होंगी जो शायद आपने टीवी स्क्रीन पर शेयर नहीं की है। लेकिन फिर भी अगर बात करें हम परिवार की, तो जब आपने उनको पहली बार ये बताया होगा कि मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ या हास्य कलाकार मेरे अंदर है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा?
घर वालों का रिएक्शन तो यही था, ये नाम डुबाएगा, ये नया शूरवीर पैदा हुआ है, ये पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान दे नहीं रहा जी। और ये खानदान का नाम अब ऊंचा करेगा। तो वो उनको तो बिल्कुल भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो चाहते थे कि पढ़ लिख के कोई नौकरी कर ले, मैं पुलिस वाला बन जाऊं जी, है ना, या फौज में आर्मी में चला जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं जी, पर कहा इतने तो लक्षण ही नहीं थे। लेकिन बहुत अच्छा, एक बात बताओ जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ जी। मान लो अभी मैं पढ़ लिख जाता, हाँ जी, तो अमेरिका न्यूजीलैंड में कहीं नौकरी कर रहा होता जी, और ये लॉकडाउन लग जाता हाँ जी, और मैं वहां फंस जाता, तो कितनी शर्म की बात होती। मैं इंडिया में नहीं पढ़ा तो यह अच्छा है ना। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये पॉजिटिव नजरिया है कि घर का सामान घर में ही रहे, और हम हिंदुस्तान के हैं तो हम हिंदुस्तान में ही रहे। ये बहुत अच्छे आपके भाव हैं। चलिए अब बिना देरी और मेरा जी, मेरा खुशबू जी ये मानना है कि आप कितना भी पढ़ो लिखो, लेकिन इतना मत पढ़ लिखना कि आपको माँ के हाथ की रोटी से पिज्जा चाउमीन और बर्गर में ज्यादा स्वाद आने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेहतरीन संदेश आपने दिया है सुरेश जी। और चलिए अब हम चाहते हैं, हमारे दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं, बातें तो होती रहेंगी, हम पूरा 30 मिनट साथ हैं। आप जरा बढ़िया सी अपनी कोई कविता, कोई चुटीले अंदाज की कविता जरा सुना दीजिए, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। लॉकडाउन में मैंने एक हास्य कविता लिखी है, वो सुना देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि लॉकडाउन में इतना सताए गए, लॉकडाउन में इतना सताए गए कि हम अपनी छत पर कपड़े सुखाने गए। मतलब सब काम हमको ही करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, वो आपने शुरू में ही बता दिया कि बीवी डंडे मार के बाहर भगा रही है और बाहर वाले घर भगा रहे हैं, तो वो जाहिर है। कि लॉकडाउन में इतना सताए गए कि हम अपनी छत पर कपड़े सुखाने गए, कपड़ों को जैसे ही तार पर पटका तो लगा जोर का झटका, सामने की छत पर खड़ी थी एक हसीना, जिसे देखकर छूट रहा था हमारा पसीना। सामने की छत पर खड़ी थी एक हसीना, जिसे देखकर छूट रहा था हमारा पसीना, उसने बहुत कोशिश की हमें आजमाने की, मगर हम तो शरीफ थे, हिम्मत की नहीं की नजरें मिलाने। आहा, क्या बात। उसने है? बहुत कोशिश की हमें आजमाने की, मगर हम तो शरीफ थे, हिम्मत ही नहीं की नजरें मिलाने की। कपड़े सुखाकर हम जैसे ही नीचे आए तो बज रहा था हमारा फोन, हमने पूछा कौन, उधर से कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने झल्ला कर कहा, इतनी देर तक तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं झेलता, उधर से आवाज आई, बेवकूफ, छूने से होता है, नजरें मिलाने से कोरोना नहीं फैलता। हाँ, क्या बात है भाई, वाह सुरेश जी, तो आपको तो आपका तो लॉकडाउन किस बात का, आपकी तो चांदी ही चांदी है, सब तरह से ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। अभी मैं आगे बता रहा हूँ ना, इसमें लॉकडाउन किस बात का। अच्छा बताइए। वो बोली, बेवकूफ, छूने से होता है, नजरें मिलाने से कोरोना नहीं फैलता। ये बात सुनकर हम शराफत की खुमारी से जागे और फौरन छत की ओर भागे, मगर अगला सीन देखकर हैरान थे, क्योंकि इस बार लड़की की जगह छत पर उसके पिताजी विराजमान थे। ये तो क्योंकि इस बार ऐसे ही होता है मेरे साथ, तो मैं ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। मगर अगला सीन देखकर हैरान थे, क्योंकि हम डरे सहमे सकुचाए हुए, वापस आ ही रहे थे नजरें झुकाए हुए, हम डरे सहमे सकुचाए हुए, वापस आ ही रहे थे नजरें झुकाए हुए, तभी उसके पिताजी की आवाज आई, बोले नजरों से नजरें तो मिला दे, और तेरे पास पड़ी हो तो एक घूंट मुझे भी पिला दे। जी बोले, नजरों से नजरें तो मिला दे, और तेरे पास पड़ी हो तो एक घूंट मुझे भी पिला दे। मैंने सोचा कौन बेवड़े की बात का रिप्लाई करे। हम वापस नीचे आए तो फिर से बज रहा था हमारा फोन, हमने पूछा कौन, उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा ये वही लड़की है, और ये हमारे इश्क के एग्जाम की घड़ी है, और ये लड़की है ना, इसलिए इसको अपने एटीट्यूड की पड़ी है। ये लड़की है ना, इसलिए इसको अपने एटीट्यूड की पड़ी है। मैंने झल्ला कर कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमें मोहब्बत में इस तरह का सिला दे। उधर से आवाज आई, इश्क को गोली मार, पिला रहा हो तो पिला दे। वाह क्या बात। तो हमने सोचा क्यों न चक्रव्यूह रचाया जाए और लड़की से पहले उसके बाप को पटाया जाए। हमने बाइक स्टार्ट की और ठेके के पीछे शराब लेने पहुंचे। शराब लेकर, बोतल लेकर हम वापस आ रहे थे, कि दो पुलिस वाले रास्ते में मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम सर से पैर तक, कमर से बदन तक टूट कर आ रहे हैं और अभी अभी MH1 पर थाने से छूट कर आ रहे हैं। इसलिए आप भी हंसिए, मुस्कुराइए, मगर लॉकडाउन में घर से बाहर मत जाइए। आप भी हंसिए, मुस्कुराइए, मगर लॉकडाउन में घर से बाहर मत जाइए। वाह सुरेश जी, बेहतरीन कविता, और आपके अंदाज की कविता बेबाकी से आपने क्या खूबसूरत शब्दों में पिरोकर अपने दिल के भाव दिए और अंत में संदेश तक आप ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब पूरा देश परेशान है, हाय कोरोना, ऐसे में कवि कहता है जरा सा हंसो ना। और हमें हंसाने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है लाफ्टर चैलेंज Season 4 के विनर सुरेश अलवेला जी। सुरेश जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। अच्छा सुरेश जी, यहाँ आप ये बताइए, देखिए आप बेहद मशहूर हुए, आपका जो अंदाज है वो माइक पर ताली बजाकर कॉमेडी करना, वो बिल्कुल ही अलग अंदाज है, और इसी की वजह से शायद चाहे सिद्धू जी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, वो आपके फैन हो गए थे। आप किस तरीके से खूबसूरती का बयान करते थे, मुझे तो आपकी वो पंक्तियां याद आती है जो आपने वो मल्लिका शरावत के लिए पढ़ी थी। मैं चाहती हूं जरा हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि खूबसूरती का वर्णन ऐसे भी हो सकता है। अब ये दिक्कत है कि मैंने मतलब 12 साल हो गए, 12 जी, जब मैंने, अब तो मल्लिका शेरावत अपडेट होकर सनी लियोन आ गई लेकिन लोग फिर भी वही फरमाइश करते हैं क्योंकि उसमें भाव ही इतने हैं कि बार बार सुनने को जी चाहता है, इतने शानदार अंदाज में आपने व्याख्या की है। खैर, जो भी कुछ पंक्तियां, जो भी कुछ मुक्तक आप सुनाना चाहे आज, ये पूरा जो मंच है ये आप ही का है, हमारे दर्शक आपके हवाले हैं। नहीं, मैं आपने जो कहा है वो आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूं जी। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्प्यामी, वस्त्र विहारिणी, डील लुघाड़नी, न्यून वस्त्र धारिणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत। वाह वाह। और हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता, परम उत्तेजित रात्रिकालीन कुशल सेनानी, अदर रम्यामी, सर्व हृदय गामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी, आदरणीय इमरान हाशिम। भाई वाह, भाई वाह, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार। और मुझे लगता है यही जो आपने बोला, इसके लिए सिद्धू जी हो या पूरी ऑडियंस के लोग हो या टीवी पर बैठे दर्शक हो, वो वाकई आपको वहीं से सलाम करने लगे, हंस हंस के लोटपोट हो गए। उन्होंने ये देखा ना कि अब तक हिंदी में सुनाते थे सब, अलग अलग प्रयोग होते थे, ये कौन है जो संस्कृत में मल्लिका शेरावत ले आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार अंदाज में। अच्छा, आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान वीरों की भूमि है, ऐसी भूमि है कि वहां के जब हम बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हर इंसान, हर पुरुष वहां सिर्फ तलवार लेकर ही बात करता होगा क्योंकि वहां इस तरह के राजपूत और चौहान होते हैं। आप कहां से कॉमेडी के रास्ते पर निकल पड़े? हाँ, ये बात भी पड़ी, जब मुझसे पहले ना जी, राजस्थान में कोई ऐसा फेमस हस्ती थी नहीं जी, जो थे वो सब चाहे महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान, सब वीरता के लिए जाने गए जी। तो हमारे यहाँ सब युद्ध करने के लिए, या बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, लेकिन कॉमेडी के क्षेत्र में मैं पहला अकेला आदमी गया था यहाँ से जी। तो पता नहीं, मुझे तो यही अच्छा लगता था जी, तो मैंने सोचा यार ये हम जो आता है वही करो ना। हाँ, अब जबरदस्ती मैं
कोई और काम करने लग जाता, मैं डॉक्टर बन जाता। जो इंजेक्शन मेरे को हाथ में लगाना चाहिए था वो कान में लग जाता, क्या फायदा। लेकिन आपको बताएं सुरेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हास्य कविताओं के जरिए जो शरीर में संचार होता है, रक्त का जो संचार होता है, वो बिल्कुल वही काम करता है जो दवाइयां शरीर के लिए करती हैं। तो ये भी एक तरह का डॉक्टर का ही कोर्स होता है जो हास्य कवि करते हैं, जो आप करते हैं। हाँ बिल्कुल, हंसना चाहिए, सबसे पहली एक्सरसाइज है जी। मतलब आपको अगर कोई एक्सरसाइज करना नहीं आती या आपको रामदेव जी का प्राणायाम करना नहीं आता जी, एरोबिक्स नहीं आती, तो आप कुछ नहीं, बस हंसो, सबसे अच्छा है। और आजकल तो पार्कों में भी आपने देखा होगा लोग बनावटी हंसी हंसते हैं, लेकिन हाँ, आप... मैं एक दिन चला गया था जी कोटा के एक पार्क में। मैं क्या है, मैं वैसे तो मैं 9-10 बजे उठता हूँ जी, है ना, जल्दी उठता हूँ मैं 9-10 बजे, बहुत जल्दी। हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि 5 बजे सुबह तो मैं उठा नहीं था, मैं एक्चुअली मैं सोया ही नहीं उस दिन। अच्छा, सोया ही नहीं। हाँ, तो मैं 5 बजे फिर मैंने कहा घूमने चलो, तो मैं कोटा के पार्क में घूमने चला गया जी। तो वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हंस रहे थे जबरदस्ती, तो मैंने कहा यार क्या तमाशा है, चलो देखते हैं। तो वो जबरदस्ती हंस रहे, हा हा हा, और बहुत देर तक हंस रहे। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, बोले हंस रहे हैं और ऐसे। तो मेरे को 2-4 लोगों ने पहचान लिया, बोले यार जब ओरिजिनल माल आ गया तो नकली का क्यों हंसना, बनावटी हंसी। हाँ, नकली क्यों। तो मैंने फिर उनको बहुत सारे जोक सुनाए, कविताएं सुनाई, तो बहुत हंसाया मैंने उनको। अब वो जो जबरदस्ती हंसते थे फिर मेरी बात पे तो हंसना ही था। नहीं बिल्कुल, तो आपने तो सार्थक किया उनकी हंसी को, और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र आप रहते हैं। हास्य कलाकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कवि हैं, 40 से ज्यादा देशों की यात्रा आपने की, क्या भिन्न पाया, आप इतना बाहर गए हैं, क्या हिंदुस्तान में जो कवि सम्मेलन या कॉमेडी शोज होते हैं और बाहर जाकर आप करते हैं, तो क्या फर्क नजर आता है। देखो फर्क तो बस इतना है कि पर्सनली अगर मुझे पूछो तो मुझे तो जो इंडिया की ऑडियंस है वो तो वहां भी वही मिलते हैं, वहां भी हिंदुस्तानी मिलते हैं और वो भी बड़े खुश होते हैं। हिंदुस्तान के मिलते हैं या पाकिस्तान के मिलते हैं जी, तो वो भी खूब एंजॉय करते हैं, उनको लगता है कोई हमारे देश से आया है हमारी तो, बात कर रहा है जी। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं कंबोडिया गया था जी, कंबोडिया की राजधानी नोम फेन में गया था मैं 2017 में जी। तो वहां पे हम जिस होटल में ठहरे वहां पे वेज फूड उपलब्ध नहीं था। अच्छा, तो हमने वहां से आयोजक से बात की प्रोग्राम के, तो उन्होंने कहा जी एक पास में रेस्टोरेंट है उसमें जाके आप खाना खा सकते हो। तो हम वहां पे जाते, रोज ब्रेकफास्ट करते, लंच करते, डिनर करते और वापस आ जाते। 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। तो वो होटल के जो मालिक थे उन्होंने पूछ लिया हमसे, बोले आप कहाँ से हो। मैंने कहा जी हम हिंदुस्तान से। तो बोले हिंदुस्तान से तो मैं भी हूँ। मैंने कहा आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, बोले जी मैं कराची से हूँ। मैंने कहा जी अजीब मजाक करते हो, कराची पाकिस्तान में। तो बोले कि जब हम आए थे यहाँ पे हमारे दादा परदादा आए थे तब तक तो हिंदुस्तान में था। क्या बात है, वाह। तो हमने हमेशा यही सीखा कि हम हिंदुस्तानी हैं। बड़ी तो, बात है ये। और फिर जब लास्ट में उनका बिल भी हमको पे करना था तो उन्होंने हम बिल पे करने लगे तो बोले कि अरे आप कैसे बिल पे कर सकते हो, आप तो हमारे देश से आए हो। क्या बात है। तो हमको वो एक जो पाकिस्तान में रहे पाकिस्तानी है अभी, लेकिन वो अपने मुल्क को हिंदुस्तान मानता है, वो उसका पासपोर्ट अब कंबोडिया का है। तो ऐसे लोग भी हमको बड़ा प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं सुरेश जी, आपके जीवन की यात्रा के लिए, आपकी कामयाबी, आपकी शोहरतों के लिए, आपके दम के लिए आपको बधाई। लेकिन अब हम चाहते हैं, समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, 4 पंक्तियां गुनगुनाते हुए कोई जबरदस्ती हमारे श्रोताओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप पढ़ दीजिए।
गुनगुना के। ठीक है, मैं हाँ कोरोना पर मैं एक हास्य गीत आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक भी चेंज नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कि ऐसा हाल किया कोरोना ने कि मौसम बदल गया, ऐसा हाल किया कोरोना ने कि मौसम बदल गया, इटली घुटने टेक चुका पर भारत संभल गया, ऐसा हाल किया कोरोना ने कि मौसम बदल गया, ओ बाहर पुलिस के डंडे करते हैं जीवन में लोचा, और घर में बीवी की बक बक और झाड़ू बर्तन पोचा, एक रसोई में ही महीने भर का टाइम निकल गया। क्या बात है, इटली घुटने टेक चुका पर भारत संभल गया, ऐसा हाल किया कोरोना ने कि मौसम बदल गया। वाह। और मैं इसको छोटा करके इसकी लास्ट वाली पंक्तियां जी बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। कि अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, और जो बिग बॉस देखते थे रामायण देख रहे हैं, इंटरनेट के युग में DD1 का टाइम बदल गया, ओ इटली घुटने टेक चुका पर भारत संभल गया, ऐसा हाल किया कोरोना ने कि मौसम बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश अलवेला जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना खूबसूरत समय हमें दिया और हमारे दर्शकों ने वाकई हंस हंसकर खूब लोटपोट हो गए होंगे। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और चुटीले प्रोग्राम्स लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए अमेज़न प्राइम। नमस्कार।